ये सारे चीज़ के सूत्रधार नीतीश कुमार थे और उन्होंने ही ऐसे लोगों को एक मंच पे बैठाया जो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे। जे वन से कह रहे हैं कि वो किसी पोस्ट के दावेदार नहीं है। पूरा मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग निकले, क्यों कोई दरार होगा? जनवरी तक का टारगेट है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनवरी तक सीट शेयरिंग तय कर लेना है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीते दिनों इंडिया की जो बैठक हुई थी, गैर भाजपाई दलों के समूह की जो बैठक हुई थी दिल्ली में, उसके बाद ये खबर निकल के आई कि महागठबंधन में, बिहार में महागठबंधन में क्या दरार पड़ गई है, नीतीश कुमार लालू प्रसाद में क्या बातें नहीं बन रही हैं। क्योंकि इंडिया की बैठक में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, जो ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उस मीटिंग में मौजूद थे बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, वो भी इंडिया की बैठक में शामिल होने दिल्ली गए थे। उन्होंने बताया है मीटिंग के भीतर क्या क्या हुआ, क्या ऐसी बात हुई, और महागठबंधन में दरार वाली जो बात चल रही है कि महागठबंधन में दरार आ गई, इसका क्या सच है, इसकी हकीकत क्या है, वो भी उन्होंने कहा बताया है। और सीट शेयरिंग पर कितने दिनों में सब फैसला हो जाना है, जरा सुनिए। बैठक हुई है दिल्ली में, सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई, और ये भी चल रहा है कि आप लोगों में आपसी विवाद है क्या? नहीं नहीं, 3.25 घंटा मीटिंग चली और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता से दो बात रखी। एक, उन्होंने कहा कि शुरू से बोल रहे हैं कि सीट शेयरिंग वाला जो भी करना है उसको फाइनल कर लीजिए। अब सीट शेयरिंग जो होना है, हर एक स्टेट का अपना अपना डायनेमिक्स है। अब चेन्नई का जो डीएमके पार्टी है वो बिहार में सीट तो लेगा नहीं, हम लोग जाके चेन्नई में सीट लेंगे नहीं। तो हर एक स्टेट में बैठ करके उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया कि जनवरी तक सीट शेयरिंग कर लीजिए, और उसके बाद जो चुनाव अभियान है, या उनका था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कि हम लोग क्या नैरेटिव देंगे लोगों के बीच में, हम लोग क्या करेंगे, वो विषय उसके बाद तय करके और चुनाव में चली, ये उन्होंने कहा। पूरी मीटिंग ख़त्म हुई और मीटिंग ख़त्म होने के बाद समय ये तय हुआ कि कुछ लोग जाके मीडिया को ब्रीफ करेंगे। सबको नहीं जाना था मीडिया में ब्रीफ करने के लिए, और उसके बाद सबको नमस्ते करके तब निकला गया। इतना मैं बता, मैं साथ था इसलिए मैं और ऑथेंटिक बता सकता हूँ। किसने चला दिया, कौन पत्रकार है, किसने इसको बना दिया कि ये हो गए, तो बिल्कुल गलत है। ये नॉर्मल जर्नलिज्म में नॉर्मली ऐसा होता नहीं। या तो आपका सोर्स, क्योंकि मैं IPRD भी देखता हूँ, पक्का हो तो आप करिए, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल गलत स्टोरी था, झूठ। पूरी मीटिंग ख़त्म हुई है, धन्यवाद दिए हैं, उसके बाद सबसे नमस्कार करके फिर वहाँ मीटिंग्स निकला गया, और ये हुआ कुछ लोग मीडिया को ब्रीफ करेंगे। यही मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम पे इसका पोजीशन था, ऐसा कोई बात था क्या उसमें? नहीं नहीं, बात आई जरूर कुछ लोगों की तरफ से, लेकिन अब कांग्रेस को तय करना है क्या करना है नहीं करना है। क्या राहुल गांधी से फोन पर बात हुई है? नहीं, ये मेरे नॉलेज में ये मैं नहीं कहूँगा। ये बिल्कुल आप सच बोल रहे हैं कि सूत्रधार हम ही लोग थे, ये सारे चीज के सूत्रधार नीतीश कुमार थे, और उन्होंने ही ऐसे लोगों को एक मंच पे बैठाया जो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे, ये भी सच्चाई। और सबको बैठा करके उनका एक ही उद्देश्य था, एक तो डे वन से कह रहे हैं कि वो किसी पोस्ट के दावेदार नहीं है, ये भी तो स्पष्ट है, वो लगातार खुद कह रहे हैं कि किसी पोस्ट के वो दावेदार नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य था कि सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करके 2024 की जो लड़ाई है उसमें विपक्ष का एक कैंडिडेट हो NDA के खिलाफ, BJP के खिलाफ मैक्सिमम जगह, और उसमें सफल भी हुए, सब जो को इकट्ठा बैठा दिए। अब क्योंकि कांग्रेस लार्जर पार्टी है तो उसी को चीज़ों को देखना चाहिए कैसे चले। मुख्यमंत्री जी तो अपने उद्देश्य में कामयाब रहे, नीतीश कुमार जी का उद्देश्य जो था कि सब जगह, देश भर में अकेले है ना, सब जगह गए हुए, और कोई गया क्या, आप ही लोग बताइए। और कोई नेता जो लोग हैं, कोई भी नेता देश में जा करके सबसे जा करके पर्सनली मिल करके एक जगह बैठाने का प्रयास किया क्या? किसी ने नहीं किया। ये तो इन्हीं के पर्सनल इनिशिएटिव से ये हुआ, और पहली मीटिंग, सफल मीटिंग पटना में, उसी का नतीजा ये आप इंडिया देख रहे हैं। उसमें वो सफल रहा। ये है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात थी और नीतीश कुमार को नाम बना नहीं, गलत है, कभी कभी तनाव शुरू हो गया, कभी कभी भी नीतीश कुमार जी संयोजक बनने के उसमें नहीं थे। नहीं है ना, स्पष्ट किया आपको कि पूरा मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग निकले,
क्यों कोई दरार होगा सर? इंडिया का अरे सारा चीज चेहरा पे थोड़े हुआ। 2004 में कौन चेहरा था जब चुनाव हुआ था वाजपेयी जी के खिलाफ? इसलिए चेहरा की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक दो सीट शेयरिंग और दूसरा कि आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं वो नैरेटिव बताना। अगर मान लीजिए आपको मैं हटाना चाहता हूँ तो दूसरा जो आएंगे वो क्या करेंगे, और जो सरकार काम जो अभी आज के डेट में कर रही है उनके मुद्दे को जनता के बीच में पर्दाफाश कर रहा है कि जनवरी तक सारा सीट हर एक स्टेट में तय होना। बिहार में हमको नहीं लगता दिक्कत होगी, सीट सेलिंग का काम हो जाए। नेशनल लेवल पे क्या होना है अरे हर एक स्टेट में उसकी जानकारी हम लोग। बिहार में मान के चले कि मकर संक्रांति तक आप ये सब तय कर लेंगे सीट सेलिंग की बात? जनवरी तक का टारगेट है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनवरी तक सीट शेयरिंग तय कर लेना है, तो उस डायरेक्शन में चीज़ें बढ़ेंगी जल्दी भी होंगी। अब ये एक उनका तो यही सुझाव था कि एक बार सीट शेयरिंग हो जाए तब अभियान शुरू हो। तो बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने क्या कुछ कहा है, हमने आपको सुनवाया है। सीट शेयरिंग पर भी फैसला जल्द होना है, यानी कि सीट शेयरिंग अब कर लेना है, जनवरी महीने में सीट शेयरिंग हो जाएगी। उम्मीद है मकर संक्रांति के त्यौहार से पहले ही बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। और महागठबंधन में फिलहाल सब कुछ ठीक है, ऐसा दावा भी किया है, लेकिन नीतीश कुमार को संयोजक क्यों नहीं बनाया गया? फेस के रूप में देखा जा रहा था, नीतीश कुमार ने ही पहल की थी। उसके बाद 23 जून को पटना में गैर भाजपाई दलों के समूह की बैठक हुई थी, जिसके बाद उसका नाम फिर इंडिया पड़ा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अब देखना होगा आगे इंडिया का क्या भविष्य है, क्या चेहरा होगा, नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे कौन? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।